एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, -9। अब हमें गिवन दिया है, दो पॉइंट गिवन दिए हैं ए और बी, जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -5 और बी कोऑर्डिनेट है -2, -9। हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जिनका डिस्टेंस जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करे और जिसका डिस्टेंस दोनों पॉइंटों से इक्वल हो। अब जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? देखो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करेगा, मान लो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है एक्स एक्स डैश 0, अगर यहाँ लाई करेगा मान लो यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 2, वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0। कहने का मतलब है एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्स एक्सिस पे, लेकिन वाई हमेशा क्या होगा 0। इसलिए मैंने क्या लेट किया, लेट पी एक्स कॉमा 0 बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए 2, -5 एंड बी -2, -9। एक्स कॉमा 0 हमने वो पॉइंट लिया जो एक्स एक्सिस पे है। क्यों लिया? क्योंकि एक्स की वैल्यू होगी जो हमें फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी इसमें 0। एक्स की वैल्यू होगी जो हमें फाइंड करनी है, वाई हमेशा क्या होगा एक्स एक्सिस पे 0। अब गिवन क्या दिया है, उस पॉइंट का डिस्टेंस ए और बी से क्या इक्वल, यानी पी ए इक्वल टू क्या हुआ पी बी। अब पी ए डिस्टेंस फार्मूला क्या है, एक्स 2 - x1 का होल स्क्वायर बाई 2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पी ए एक्स कॉमा 0 है पी के कोऑर्डिनेट, 2, -5 है ए के कोऑर्डिनेट। तो एक्स 2 - x1 यानी 2 - x का होल स्क्वायर -5 - 0 का होल स्क्वायर। इसको हम x1 y1 लेते हैं, इसको x2 y2 लेते हैं। इसी तरह पी बी, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, -2 - x का होल स्क्वायर, 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब 2 - x का होल स्क्वायर ये बन गया a - b का होल स्क्वायर, यानी 2 का होल स्क्वायर + x का होल स्क्वायर -2 × 2 × x, यानी 2 से भी +5 - 0 क्या आ गया 5 का होल स्क्वायर। सेम ऐसे यहाँ पे फार्मूला a का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर + b x का होल स्क्वायर -2 × a - 2 है और b x है, b की वैल्यू x है, -x नहीं है, माइनस फार्मूले का है, a² + b² - 2 a × b, a टर्म -2 लेनी है, ये याद रखना। तो इधर क्या बचा 9 - 0 9 का होल स्क्वायर। अब 2 का होल स्क्वायर आया 4, x का होल स्क्वायर x² -4x + 25, -2 का होल स्क्वायर 4, x का होल स्क्वायर x² 2 × 4 -4x, 9 का होल स्क्वायर 81। अब 4 + x² - 4x + 25 लेफ्ट साइड में आया रूट के अंदर, 4 + x² + 4x + 81 आया राइट साइड में। अब रूट कैंसिल करने पहले हमने सॉल्व किया इसको, x² सेम, -4x भी ऐसे रहा, 25 और 4 हो गया 29, x² सेम, 4x का ऐसे ही, 81 और 4 हो गया 85। अब रूट कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, इसके भी स्क्वायर लग जाएगा, इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर भी स्क्वायर और रूट कैंसिल। तो बच गया x² -4x +29 लेफ्ट साइड में, x² + 4x + 85 राइट साइड में। तो x² भी कैंसिल, क्योंकि ट्रांसफर करके साइन चेंज हो जाता है। इधर बचा -4x, ये 4x इधर आया -4x, 29 को हम ट्रांसफर किया राइट में, तो साइन हो गया -29। तो -4x और -4x हो गया -8x, 85 -29 कितना आ गया 56। तो x की वैल्यू आई 56/-8, क्योंकि -8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो गया, तो 87 था, तो x की वैल्यू क्या आई -7। तो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस, जो x एक्सिस पे पॉइंट होगा वो क्या होगा, x की वैल्यू क्या निकाली -7 और y कितना है 0, यानी -7, 0 ही पॉइंट होगा जो x एक्सिस पे लाई करेगा और जिसका डिस्टेंस a और b से इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P2, -3 एंड Q10, y इज 10 यूनिट्स। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें p और q का डिस्टेंस दिया है 10 यूनिट्स के बराबर। तो सॉल्व किया मैंने, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स p एंड q जो है वो 10 यूनिट है, p के कोऑर्डिनेट है 2, -3, q के कोऑर्डिनेट है 10, y इक्वल टू 10 है, pq आया 10, pq यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, ये आया आपका डिस्टेंस फार्मूला, इक्वल टू क्या दिया 10। तो x2 10 है, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y - -+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। तो 10 - 2 आ गया 8 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2 × y × 3 इक्वल टू 10, 8 का होल स्क्वायर 64, y² 3 का होल स्क्वायर 9,
2 into 3, 6 into y, 6y equal to 10. तो y square plus 6y, 64 और 9 हो गया 73. ये root के अंदर value लिखनी है सारी, equal to 10. अब root cancel करने के लिए हमने किया squaring both sides. तो square करेंगे, square और root cancel. तो बच गया y square plus 6y plus 73 equal to 10 का whole square. Square और root cancel. तो y square plus 6y plus 73 equal to आ गया 100. तो y square plus 6y plus 73, 100 इधर आया minus 100 equal to 0. तो y square plus 6y minus 100 में से plus 73 आगे minus 27 equal to 0. अब middle term split मैंने की है, क्यों? क्योंकि y की values हमें find करनी है. 27 माइनस 27, 6y को break किया 9y minus 3y minus 27 same equal to 0. तो y square plus 9y minus 3y minus 27 equal to 0. 9 में से 3 गया 6y आता है, और 9 3 से क्या होता है 27y square. First 2 में common निकाला y, तो बच गया y plus 9. लास्ट 2 में कॉमन निकाला माइनस 3, इधर आ गया y माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 9, यानी ब्रैकेट में y प्लस 9 इक्वल टू क्या है 0. तो अब हमें y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज किया, तो एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला यानी y माइनस 3 और अंदर वाला y प्लस 9 इक्वल टू क्या है 0. अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम दोनों को किसके बराबर लेंगे 0 के. नाउ y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 9 इक्वल टू 0. तो y आ गया 3 और y आ गया माइनस 9. तो therefore values of y equal to 3 and minus 9. तो y की value क्या है 3 और minus 9. अब question number 9 है, if q 0,1 is equidistant from p 5,-3 and r x,6, find the values of x, also find the distance qr and pr. अब q point का distance p और r point से equal दिया है, x की values find करनी है, और उसके बाद distance निकालना है qr और pr का. तो Q यानी 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5,-3 एंड R x,6. Q पॉइंट का डिस्टेंस P और R से बराबर दिया, यानी QP इक्वल टू क्या हो गया QR, QP इक्वल टू QR. अब QP को लेंगे x1 y1, P को लेंगे x2 y2. तो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर. ये आ गया QP, Q और P, x1 y1 x2 y2. तो ये रूट के अंदर ही लिखना होता है. अब इक्वल टू QR है, QR यानी Q के पॉइंट आए x1 y1, R के आए x2 y2. तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर. अब 5 माइनस 0 हो गया 5 का होल स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 1 हो गया माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 0 हो गया x का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 हो गया 5 का होल स्क्वायर. ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर. 5 का होल स्क्वायर होता है 25, माइनस 4 का होल स्क्वायर होता है 16 रूट के अंदर, यानी रूट 41. ये किसकी वैल्यू निकली, रूट 41 क्यू पी की. अब राइट साइड एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 5 का होल स्क्वायर आएगा 25, यानी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 आया रूट 41 के बराबर, क्योंकि क्यूपी और क्यूआर बराबर दिए. क्यूआर की वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो तो क्यूपी की वैल्यू क्या है, रूट 41. अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी होल स्क्वायर इधर भी होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल. इधर क्या बचा 41, इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 25. अब 41 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 या एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 41, कोई भी हम आपस में इक्वल ले सकते हैं. तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 41 माइनस 25, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 16. अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जब हम स्क्वायर को रूट में चेंज करते हैं तो क्या होता है प्लस माइनस रूट 16, तो 16 का रूट क्या होता है 4. तो एक्स की वैल्यू आई प्लस माइनस 4, यानी एक्स की वैल्यू 4 भी आई और माइनस 4 भी आई. तो वैल्यूज ऑफ एक्स आई 4 एंड माइनस 4. अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद एक निकालें क्यू आर, एक निकालें पी आर. तो सिंस क्यू आर इक्वल टू क्यू पी, ये हमें गिवन दिया था, क्यू आर और क्यू पी बराबर है, और क्यू पी की वैल्यू क्या निकाली रूट 41, तो क्यू आर की वैल्यू भी क्या लेंगे हम रूट 41. सिंस क्यू आर इक्वल टू क्यू पी, और क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई रूट 41, क्यों, क्योंकि क्यू पी की वैल्यू हमने ऊपर मैंने बताया क्या निकाली है रूट 41, तो क्यू आर हमें फाइंड कर दिया. अब फाइंड करना है पी आर. अब पी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन दिए थे, पी के कोऑर्डिनेट क्या है 5,-3, पी आ गया 5-3, और आर, आर के कोऑर्डिनेट है x,6, आर के कोऑर्डिनेट है x,6, एक्स अगर मैं 4 लूं तो 4,6 पहले हमें ये ले रहा हूं. अब p
पी आर का डिस्टेंस, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी 4, एक्स कितना लेंगे हम 4, तो पी आर का डिस्टेंस क्या है 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 6 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो व्हेन एक्स इक्वल टू 4 देन पी आर इक्वल टू 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, जैसे मैंने बताया आपको। तो ये आ गया माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये बन गया 9 का होल स्क्वायर। माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है 1 और 9 का होल स्क्वायर होता है 81, तो 1 प्लस 81 कितना आ गया 82, यानी रूट 82 आया पी आर का डिस्टेंस जब एक्स की वैल्यू क्या होगी 4। अब व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस 4, जब हम एक्स की वैल्यू क्या लेंगे अब माइनस 4। अब एक्स अगर माइनस 4 लें तो पी आर की वैल्यू क्या आएगी, व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस 4 देन पी आर इक्वल टू माइनस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी एक्स 2 माइनस एक्स 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो माइनस 4 माइनस 5 बन गया माइनस 9 का होल स्क्वायर, 6 प्लस 3 आ गया 9 का होल स्क्वायर, माइनस 9 का होल स्क्वायर आया 81, 9 का होल स्क्वायर आया 81, तो रूट 162 आ गया इसकी वैल्यू। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो 9 × 9 × 2 = 162, तो 9 आ गया बाहर, अंदर रूट 2, 9√2, ये किसकी वैल्यू आई पी आर की। तो क्यू आर आया √41, पी आर की दो वैल्यू आई √81 और √9√2, तो क्यू आर इक्वल टू √41 एंड पी आर इक्वल टू √82 एंड 9√2। थैंक यू स्टूडेंट्स।